दमोह उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी में कलह खुलकर सामने आ रही। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी को 17,089 वोटों से हरा दिया। इस हार का ठीकरा राहुल लोधी ने पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर जयंत मलैया पर फोड़ा है। उन्होंने जयंत मलैया पर भीतरघात का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें सोची समझी साजिश के तहत हराया गया है। राहुल लोधी ने कहा कि वो सीएम शिवराज सिंह से निवेदन करेंगे कि मलैया को पार्टी से निष्कासित करें। वही नरोत्तम मिश्रा ने भी बिना नाम लिए कहा कि हम छलचंदों से छले गए हैं और अपने घर के जयचंदों से इस बार लड़ाई हारे हैं। सीएम शिवराज सिंह ने भी स्थानीय परिस्थितियों को हार का कारण बताया और हार की समीक्षा की बात कही। जीते हुए प्रत्याशी अजय टंडन ने इसे जनता की जीत बताया और कहा कि जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया है। कांग्रेस का समर्थन है, जनता का कांग्रेस के ऊपर विश्वास है और जो चुनाव के मुद्दे थे वो चुनाव ने सही माने। जिन मुद्दों को लेकर चुनाव बातचीत लड़ रही थी उन्होंने अभी तक के अनुसार जो भाजपा ने अपने मुद्दे दिए वो जनता ने नकार दिए। जनता इससे साफ मतलब है कांग्रेस के पक्ष में। जो पोलिंग हम कांग्रेस में रह के जीते वो हमने भाजपा में जिता दी और वो हम भाजपा की यहाँ शहर की पोलिंग हार गए जो वार्ड हम कभी नहीं हारे। ये भी एक सवाल बनता ना, नेताओं से पूछना बनता है कि आपको शहर की जिम्मेदारी दी थी आप क्या करते हैं? आपका इशारा किन की तरफ है? पूर्व मंत्री जयंत मलैया की तरफ है। मलैया परिवार ही पूर्ण रूप से चुनाव हराने का जिम्मेदार है। दबो नहीं हारे हम, चले गए छलछंदों से और इस बार लड़ाई हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। दमोह में स्थानीय समीकरणों और परिस्थितियों के कारण हम सफलता प्राप्त नहीं कर सके और हमारा ध्यान पूरी तरह से कोविड से लड़ने में लगा हुआ था। फिर भी हम अध्यक्ष जी ने जैसा कहा है, हम प्रदेश अध्यक्ष जी ने और गहराई में जाकर समीक्षा करेंगे।